यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट फॉर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन अ जिंक। ठीक, तो पहला कंडीशन है फॉर अ 4s इलेक्ट्रॉन एंड फॉर अ 3d इलेक्ट्रॉन। तो हम पहला जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि 4s और 3d में कौन सा वाला निकालना है और कैसे निकालना है। ठीक, तो जिंक का होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ठीक, तो हम यहाँ पे रेडियस वाइज लिए हैं क्योंकि यहाँ पे अरेंज करके, नहीं तो 4s2 पहले आता है और 3d10 बाद में आता है। नहीं, तो इसमें बोला गया है कि ए के लिए हम पहले निकालेंगे। ए के लिए बोला गया है कि 4s इलेक्ट्रॉन, इसमें 4s इलेक्ट्रॉन कौन सा है, ये वाला? नहीं, तो इसमें हम n 4s वाला को लेंगे, 4s वाला जो है ना उसको हम n मानेंगे। तो n इज इक्वल्स टू 4। ठीक, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 और n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 और n माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। ये पहला हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, और हमारे पास इसका जो वैल्यू जो है वो क्या है, n इज इक्वल्स टू होता है 0.35। ठीक, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू होता है 0.85 और n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद जो ऑनवर्ड्स जो होता है ना, n माइनस 3, n माइनस 4, वो सभी में क्या होता है, 1 ही होता है। और ये सभी किसके लिए हैं, ns और np के लिए यूजली ये लिया जाता है। ठीक, तो ये n जो है जो s में है, यदि np वाला भी होता तो हम यही लेते। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, अब ये हम एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 जिंक का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। ठीक है, तो हमें तो इसका निकालना है। नहीं, तो जिसका निकालना होता है ना, ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिफरेंस इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और उस इलेक्ट्रॉन पे सभी इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन गिना जाता है, काउंट किया जाता है। नहीं, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और इसमें से यदि एक इलेक्ट्रॉन हम रिफरेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा, 1। नहीं, 1, तो ये जो 1 हम लेस किए हैं ना माइनस, वो हो जाएगा रिफरेंस इलेक्ट्रॉन, रिफरेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद इसमें 1 हो गया तो ये 1 इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा ये है एक, ये n माइनस 1 कितना हो गया, ये हमारा हो गया n माइनस 1 और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसमें हमारा n माइनस 2 ये कितना हो गया, n माइनस 2, इसमें हमारा कितना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें है 28। ठीक, और रिमेनिंग जो ये 1 है, ये वाला हो गया n माइनस 3। ठीक, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। अब टोटल नंबर्स ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इसमें तो एक डिफरेंस इलेक्ट्रॉन हो गया था, नहीं, तो रिमेनिंग कितना हो गया, 1। इसका फॉर्मूला आता है n इंटू 0.35, n के लिए हम कितना लेते हैं, 0.35 प्लस रिफरेंस, जो जिसका पूछा होता है ना, जैसे इसमें 4s इलेक्ट्रॉन को पूछा है
फोर एस इलेक्ट्रॉन में तो दो ठो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो इसमें दो ठो में से एक ठो रिफ्रेंस हो गया और एक ठो का रिपल्सन बड़ा हो गया, ठीक है। तो एक ठो इलेक्ट्रॉन हमको रिफ्रेंस में लेना होता है। उसके बाद 1 × 0.35, उसके बाद इसमें 18 × 0.85 प्लस 8 × 1 प्लस 2 × 1 4। अब इसको हम टोटल सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.35 प्लस 18 और इसको कितना हो गया 18.5 15.3 और 8 प्लस 2 हो गया नहीं, इसमें 18.3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0.35 कितना हो गया, तो 26.65 आंसर हो गया। 26.65 एक बार रिचेक कर लें, 35 प्लस 15.3 प्लस 8 प्लस 2 25.65 ये पहला